Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो और वेलकम टू अनकट डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं खान, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अनकट डिजिटल पॉइंट। गाइस, आपका भाई आपके लिए एक बार फिर एक और नई वीडियो और एक लेटेस्ट न्यू कंपनी लेकर आ गया है, जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली अर्जेंट लोन। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर आपको यहां पर ये लोन मिलने वाला है। घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ले सकते हैं इंस्टेंटली लोन। यहां पर आपको मिलेगा 1000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का अर्जेंट लोन। अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो वीडियो बिल्कुल मत करना, हो सके तो मेरे भाई लाइक कर देना, और अगर आप एक नई होने पहली बार वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी यहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली अर्जेंट लोन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप घर बैठे ले सकते हैं अपने मोबाइल फोन से केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर इंस्टेंटली अर्जेंट लोन। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, आपको स्कूल फीस, कॉलेज फीस या फिर आपको किसी का उधार देना है, कोई भी आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि आपको भाई आपके लिए जो कंपनी लेकर आए यहाँ पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली लोन केवल 2 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है वीफी कैश पर्सनल ऑनलाइन लोन। बड़ी जबरदस्त वाली कंपनी है गाइस। अगर इसकी रेटिंग की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं 4.5 रेटिंग है भाई। रेटिंग अच्छी है तो समझ लीजिए आपको यहां पर 100% लोन मिल जाएगा। 1 मिलियन प्लस डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन, फेक कंपनी नहीं है। अगर फेक होती तो भाई यहां पर डाउनलोडिंग होती और ना ही यहां पर रेटिंग अच्छी मिलती, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भाई आपको यहाँ पर इंस्टेंटली लोन मिल जाता है 1000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपए तक का। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये कंपनी आपको बोल रही है कि भाई हम आपको यहाँ पर 3000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक का लोन दे देंगे केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से। बहुत ही कम इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। 0% से लेकर 36% पर एनम तक इंटरेस्ट आपका यहाँ पर लग सकता है। ये लोन आपको 91 दिन से लेकर 180 दिन तक के लिए मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस आपकी यहाँ पर लेगी 54 रुपये से 540 प्लस GST, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर 5000 रुपये का लोन लेते हैं 30% पर एनम के इंटरेस्ट पर 91 दिन के लिए, तो भाई आपको यहाँ पर 375 रुपये का टोटल जो इंटरेस्ट है वो देना होगा, यानी 5375 रुपये का रिपेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो गाइज आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 18 से 50 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके पास रेगुलर मंथली सोर्स इनकम आपके पास आनी चाहिए। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपको यहां पर ये लोन मिलने वाला है। तो सिंपली गाइज आपने क्या करना है, लोन लेने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद गाइज सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के अंदर साइनअप करना होगा। साइनअप पर आपने क्लिक करना है। आपका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP आपको यहाँ पर डालनी है। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, OTP आपको यहाँ पर डालनी है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, सबमिट कर देना है। मैंने पहले से इसके अंदर साइनअप कर रखा है तो मैं साइन इन करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइज एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले से लोन ले रखा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किस तरीके से आप भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर एक छोटा लोन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये कंपनी बोल रही है कि भाई हम आपको अभी 3000 रुपये का लोन देने वाले हैं। वैसे तो ये कंपनी 3000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक का लोन दे देती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3000 रुपये का लोन ही मैं यहाँ पर अभी ले सकता हूँ और ये लोन मिलेगा मुझे 7 दिन के लिए। लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डिटेल आपको लास्ट टाइम बता दूंगा कैसे आपको यहाँ पर ये लोन मिलेगा, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर ये लोन मिलेगा। तो सिंपली गाइज लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई लोन पर क्लिक करना है। तो अप्लाई लोन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो है आधार कार्ड डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, अपना आधार कार्ड अपने हाथ में लेकर एक फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, यानी आपको जो है आपका आधार कार्ड आपके हाथ में लेकर एक सेल्फी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये फोटो आपको क्लियर अपलोड करनी है। अगर आपने क्लियर फोटो अपलोड नहीं किया तो हो सकता है आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, नाम यहाँ पर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड के अंदर हो, उसके बाद आपका जेंडर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, अपने एजुकेशन आपको यहाँ पर डाल देनी है, मेंटल स्टेटस अपने यहाँ पर डाल देना है, पर्सनल ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, और आपकी स्टेट कौन सी, आपकी सिटी कौन सी और आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है डालने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कौन सा आपका बैंक है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और नीचे आपके पास अगर पेटीएम अकाउंट है तो पेटीएम अकाउंट नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर वर्क इन्फॉर्मेशन देनी होगी।
जिसके अंदर आपको यहां पर सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम आपको यहां पर डाल देना है, कंपनी स्टेट कौन सी आपने यहां पर वो डाल देनी है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर डाल देना है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर डाल देना है, कंपनी क्लास नेचर बिजनेस आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, इंडस्ट्री क्लास आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन क्लास आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड है, जो भी आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। आप कितने दिन से काम करते हैं यहां पर वो सिलेक्ट कर लेना है, बैंक में लेते हैं अपनी सैलरी या फिर कैसे लेते हैं वो आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो डाल देनी है, और पैन कार्ड नंबर आपको यहां पर डाल देना है, कंपनी का ईमेल एड्रेस आपको यहां पर डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद गाइज आपको यहां पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं, यानी आपको यहां पर दो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहां पर दें वो एक्टिव होने चाहिए। अगर आपने एक्टिव नंबर नहीं दिए तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन हो सकती है आपकी इन नंबर पर कॉल करने के बाद। दो कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहां पर आप देख सकते हैं ये बोले भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहां पर जो सर्टिफाइड हो चुकी है। सिंपली आपने फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद गाइज यहां पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने जाना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको यहां पर पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है आप इनको मत दीजिएगा, अगर है तो दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको लोन जल्दी मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको जो लोन मिलेगा उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको यहां पर क्या करना है, पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देनी है और उसका पासवर्ड भी आपको यहां पर डाल देना है। बिजनेस लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, जीएसटी अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं यहां पर, इनवॉइस इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है आपके पास यहां वो अपलोड कर सकते हैं, अदर्स में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो यहां पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। मैं यहां पर अपलोड नहीं करने वाला इसलिए मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आपने यहां पर ईमेल वेरिफिकेशन भी करनी होगी। आपको जो है जो आपने यहां पर ईमेल एड्रेस दिया है ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी यहां पर डालनी है और अपने ईमेल एड्रेस को आपने यहां पर वेरीफाई कर लेना है। जब आप यहां पर ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है ये सबमिट कर देंगे गाइज, उसके बाद क्या करना है आपने वापस जाना है। वापस जाने के बाद आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको बताता हूं यहां पर डिटेल में, अगर आप ये 3,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर कितना लोन आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिलने वाला है। तो गाइज मैं आपको यहां पर बता दूं, ये 3,000 रुपए का लोन अभी यहां पर मुझे दे रही है, आपको भी स्टार्टिंग में 3,000 रुपए का लोन मिलने वाला है। 7 दिन के लिए मुझे ये लोन मिलने वाला है। अगर मैं लोन डिटेल की बात करूं तो गाइज 3,000 रुपए का लोन मैं ले रहा हूं, 2,292 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर मुझे मिलने वाला है। इंटरेस्ट फ्री ये लोन है, यानी बिना ब्याज के यहां पर ये लोन मिलने वाला है आपको, आपको इस पर कोई ब्याज नहीं देना है। बस आपको यहां पर देनी है प्रोसेसिंग फीस जो लगने वाली आपकी 600 रुपए, जीएसटी लगेगी 18%, 108 रुपए, और जो भाई आपको टोटल रीपेमेंट करना होगा 7 दिन में 3,000 रुपए का टोटल रीपेमेंट आपको यहां पर करना होगा। कुल मिला के बात यह है, अगर आप यहां पर 3,000 रुपए का लोन लेते हैं 7 दिन के लिए तो आपको भाई यहां पर 700 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, 100 रुपए डेली पर आपको 3,000 रुपए का लोन मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं सिंपली आपने कंफर्म लोन पर क्लिक करना है, लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना है, साइन एग्रीमेंट करने के बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। जब आप यहां पर फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। मैं यहां पर लोन लेना नहीं चाहता क्योंकि लोन मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम तो केवल आपको बताने का भाई किस तरीके से आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है और जो भी आपको करना है मैंने यहां पर सब कुछ आपको बता दिया। तो गाइस अगर आपको ज्यादा अर्जेंट लोन की जरूरत है तो भाई आप यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहां पर भाई ज्यादा ले रहे हैं ये इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फीस, जो भी है इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर यहां पर भाई एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। ठीक है, आपका दिल कर रहा है तो अप्लाई कर लीजिए, आपका दिल नहीं कर रहा तो मत कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर है तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, अगले बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।